हम लोगों ने खाना खा लिया है और ये रहा मेरे डैडू और अब हम लोग सोने जा रहे हैं। देखिए गाइस, मैं पीयूष की उसी के तरह भिखारी बन चुका हूँ। ये है मेरे पापा जो कि मेरे गोदी में बैठे हुए हैं। मम्मी पापा एडिट कर दूँ मैं ये अच्छा चेहरा है पापा। ये पीयूष ज्योति की सारी एक्टिंग है। मैं पीयूष ज्योति पीयूष ज्योति की तरह भिखारी बन चुका हूँ। तो अब हम लोग सोने जा रहे हैं। कल इसको स्कूल जाना है और फिर कल हम लोग को ग्वालियर निकलना है अपने। कल स्कूल जाना है और फिर स्कूल से ही आ जाएगा, फिर हम लोग ग्वालियर निकलेंगे और फिर कल दिखाएंगे हम लोग का इंजॉयमेंट का सफ़र, ग्वालियर का सफ़र। और कल मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए। और अगर आप फर्स्ट आए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो हो चुकी है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग और हम लोग पी रहे हैं चाय। मेरी भी चाय है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं चाय पीने के बाद, आप लोग भी चाय एंजॉय कीजिए। पैकिंग, हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर, बट हमारे आज शायद लेट हो जाएगा या फिर हम मॉर्निंग में निकलेंगे। और ये रहे पापा, हम जा रहे हैं इस पगले के लिए पटाखे लेने, क्रैकर्स लेने, ठीक है। मिलते हैं पटाखे। तो हम पटाखे लेने पहुंच गए और पटाखे की यहाँ पे बहुत बड़ी शॉप्स लगी हुई थी। तो ये पापा के हाथ में काना की स्लिप है जिसमें उसने लिस्ट बना के रखी है पूरी पटाखों की, वही हम देख। अभी हम थोड़ी देर के बाद निकलने वाले हैं ग्वालियर में। खाना पीना खा चुके हैं, खाना बन भी चुका है और अभी हम खाना को फ्रिज में रख के निकलते हैं ग्वालियर के लिए। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं। तो गाइस, हम निकल चुके हैं ग्वालियर के लिए। तो ये है हमारा पूरा भिंड जिसको बहुत ही ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ, लाइक करती हूँ। तो ये मेरा भिंड है और ये पूरा उसका मार्केट है। यहाँ पे पुस्तक बाजार है और ये बैंक्स हैं यहाँ पे। और यहीं से मैंने 10th 12th अपनी कंप्लीट की है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे पास में ही हमारा गांव है। तो यहीं पे हम लोग भिंड आ गए थे। ग्वालियर थोड़ा इससे बड़ी सिटी है तो वहाँ पर हमने अपना मकान बनवाया और यहाँ पर भी हमारे प्लॉट्स हैं जो कि हमने कंस्ट्रक्शन नहीं कराया क्योंकि अभी इतना यूज़ नहीं था, क्योंकि मम्मी के नेम क्वार्टर है। तो ये प्रॉपर भिंड है और देखो दिवाली की कितनी रौनक है, पूरे भरा हुआ है पूरा। और ये जो आपको आगे मैं दिखाने वाली हूँ, ये यहाँ का बहुत बड़ा जैन मंदिर है और बहुत ही बड़ा मंदिर है, मतलब कि अंदर से आप जाएंगे ना तो बहुत ही बड़ा मंदिर है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा जैन मंदिर है। और इसके बाद मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ भिंड का जो बस स्टैंड है, वो यहाँ से शिवपुरी, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव और डिफरेंट जो जगहों के लिए यहाँ से ही बस जाते हैं। ये पूरा बहुत बड़ा बस स्टैंड है हमारे भिंड का। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है यही हमारा बस स्टैंड है। आप देख सकते हैं बस भी खड़ी हुई है यहाँ पर। तो यही बस स्टैंड है हमारा और हम निकल चुके हैं और बहुत अच्छी वाइब आ रही है और फैमिली के साथ तो बहुत मज़ा ही आता है। तो बस चलिए आगे, फिर काना से मिलाती हूँ। पापा ने मुझे गुड न्यूज़ बताई है कि दबोआ की टिक्की मिलती है इस भिंड के थोड़े आगे में। तो चलिए खाते हैं। लेनी मैं भी आ जाऊँ वहाँ पे। यम्मी, इन लोगों को भी बहुत पसंद है। हटो, मैं खाने वाले। गाइस, अभी हम लोग अपने घर में जरूरी सामान छोड़ रहे हैं। मैडम नीचे बोला, तो अभी हम लोग को घर पे वापस जाना पड़ रहा है। और लेकिन टिक्की तो खाई लेंगे। ये इस टाइम पे हम लोग ठेले पे संतोष पानी पूरी। जब भी आप गाइस, हम लोग आ चुके हैं पानी पूरी वाली दुकान पे और ये है पानी पूरी। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं टोल टैक्स में, तब तक आपको अपनी जर्नी दिखाते हैं। तो गाइस, हम लोग पहुंचने वाले हैं ग्वालियर। तो अभी हम लोग को थोड़ा जर्न थोड़ी थोड़ी टाइम और लगती, उसके बाद हम लोग पहुंच। तो गाइस, अभी हम पहुंचने वाले हैं ग्वालियर। हम पहुंच चुके हैं मालनपुर। इट्स 20 or 15 kilometers फार अवे फ्रॉम ग्वालियर। टोल टैक्स पहुँच गए है, अब हम लोग टोल टैक्स पे टोल देंगे। गाइस, अभी हम लोग बस हम लोगों का 12 kilometers रह गया ग्वालियर पहुंचने के लिए। तब तक आप ये ग्वालियर की जर्नी देखिए, ये हमारा माय ग्वालियर। अभी हम पहुंच के सीधे आपको घर दिखाएंगे और माय ग्वालियर हाउस इज सो ब्यूटीफुल। हेलो गाइस, अपन महाराजपुरा एयरवेज टर्मिनल पर आ चुके हैं और अभी क्रॉस करते हुए, और ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरवेज है और एयरफोर्स है।
अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि बच्चे मेरी खिल्लियाँ उड़ाएंगे। ट्रैफिक भी ज्यादा है, ट्रैफिक भी ज्यादा है, भूल रही है, ट्रैफिक ज्यादा है। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा ट्रैफिक किसको कहते हैं, मोहतरमा बताएंगे ट्रैफिक को क्या कहते हैं? रोड खाली नहीं है, रोड खाली। चलो दिखाते। तो ये हम एंटर करके अपनी ग्वालियर वाली गली में, जहाँ से हमारा मकान बस कुछ ही 500 मीटर दूर था, और ये उसकी गली में पहुँच गए हम। और बस यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, और ये सामने जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो यही बस हमारा मकान है नुक्कड़ वाला। और इस मकान को आप देख सकते हैं इतना प्यारा, ये हमारा जो मकान है, ये हमारा जो प्यारा सा मकान है ये वो है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है जिस पर अपन उतर रहा है, मम्मा सामान निकाल रही है अपना, और बस फिर घर में एंट्री लेते हैं और बताते हैं आपको हम आज का क्या वाले। ये हमारी गाड़ी है किया कैरन। सो गाइस हम लोग ग्वालियर वाले मकान पे पहुंच चुके हैं, बट अभी हमारी सफाई रह रही है, तो हम लोग सफाई करके आपको मिलते हैं। तो सफाई कर लेते हैं फिर आप लोग को मिलते हैं अपने घर का व्यू देने के लिए। सो मिलते हैं। ये देख सकते हैं मेरा भाई पोए के लिए किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स काट रहा है, और ही इज़ वेरी प्रो इन इट। और देखो क्या सफाई से काट रहा है, वाह वाह प्रो बॉय। ये देखो ये देखो, वाह यार इसका चेहरा भी देख सकते हैं आप, कितना क्यूट सा चेहरा है, बहुत ही मासूम चेहरा है, क्यूट सा चेहरा है। मैं मासूम अंदर से लगता हूँ, बाहर से नहीं। सो अभी हम पी रहे हैं चाय और मिलते हैं आपको बाद में। फादर पंखा साफ कर रहे हैं, ऊपर चढ़ चुके हैं और पंखा साफ, और ये देखो उन्होंने सीढ़ी लगा कर रहे हैं, और यहाँ पे मम्मा है वो भी साथ में हेल्प करा रही हैं, और ये सफाई चल रही है। हम मैं अब मेरी बहन खाना बना रहे हैं अंदर। सो हियर इज अ मेरा भाई फटाके फोड़ रहा है।